दोस्तों अपने 21 दिन चैलेंज के बारे में कभी ना कभी जरूर से सुना होगा कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहता है या कोई भी नई आदत बनाना चाहता है तो लगातार 21 दिनों तक उसे उस काम को करना होगा। उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमारी हैबिट में बदल देगा। आखिर इस 21 दिन चैलेंज में ऐसा क्या खास है जो कि इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लीडर्स इसके बारे में बात करते हैं, इसे फॉलो करने की एडवाइस देते हैं और फिर देखो 21 दिन बाद क्या होता है। आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है ना, जो आपने वर्ड यूज किया वायरिंग, ब्रेन पैटर्न्स, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। एक गारंटी दे रहा हूं, 21 दिन मैक्सिमम होते हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, ब्रह्मांड में फ्रिक्वेंसी को मैच करवाने के लिए। अगर किसी चीज को आप लगातार 21 दिन करते हैं, आपकी वो आदत बन जाती है। दोस्तों अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं जिसके बारे में अभी तक आपने सिर्फ सपना देखा है या फिर सोचा हुआ है, तो फिर आपको अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना होगा। आप वो सब कुछ भूल जाइए जो कि अभी तक आपने सोसाइटी से सीखा है और मेरे साथ इस 21 दिन चैलेंज का हिस्सा बनिए, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करके दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आपको पैसा कमाना हो या फिर अच्छा करियर बनाना हो या फिर कुछ भी हासिल करना हो, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटे से चैलेंज को पूरा करना होगा जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तभी जाकर आप एक रिपीटेटिव हैबिट क्रिएट कर पाएंगे जो कि आगे चलकर आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप 21 दिन चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सच में अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिस वजह से यह आपके लाइफ के 90% डिसीजंस को कंट्रोल करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यह है कि इसे आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे कि आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मार्केटिंग कैंपेन चलाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस कदर इन्फ्लुएंस करती है कि हम जाने अनजाने में उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है, आइए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। दरअसल दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त ऑन रहता है और वो सब कुछ सुनता और रिकॉर्ड करता रहता है जिसके बारे में हमें ध्यान भी नहीं होता। इसकी खासियत ये है कि यह हमारी मेमोरीज को एक इमेज के फॉर्म में माइंड में रिकॉर्ड करता रहता है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको सिगरेट पीने की आदत है, अब आप मन ही मन खुद से ये बोलते हो कि आज से मैं सिगरेट पीना बंद कर दूंगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिगरेट की इमेज बनने लगेगी, जिससे आपको कुछ ही टाइम बाद और भी ज्यादा सिगरेट पीने का मन करेगा। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ये कमी है कि ये नो या फिर नहीं जैसे शब्दों को इमेज के रूप में कभी भी नहीं देख पाता। और इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि अक्सर जिन चीजों से हम पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं वे हमें और भी ज्यादा पकड़ लेती है, या फिर जब हम किसी को भुलाने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान हमें और भी ज्यादा याद आता है। और ये सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो कि हमारे अच्छे या बुरे हैबिट्स को बनाता है और फिर इन्हीं हैबिट्स के बेस पर हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं और आगे चलकर यही डिसीजन डिसाइड करते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर। इसके साथ ही सबकॉन्शियस माइंड की एक और सबसे यूनिक बात ये है कि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। इसे आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। जब हम एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो हमें अच्छे से मालूम होता है कि इसमें कुछ भी रियल नहीं है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं समझ पाता, जिस वजह से हॉरर मूवी देखते वक्त हमें डर वाली फीलिंग आती है। और दोस्तों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की इन्हीं खूबियों और कमियों का यूज करके जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोज खुद से एक झूठी पॉजिटिव बात बोलते हैं या फिर किसी पॉजिटिव एक्शन को हर रोज रिपीट करते हैं, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल समझने लगेगा, जिसके बाद हमारा कॉन्शियस ब्रेन और हमारी पूरी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। अब आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होगा, तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो कि आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। साइंटिफिक अमेरिकन ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें बताया कि मिस्टर राइट नाम के एक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी थी और वह अपने फाइनल स्टेज पे था। कुछ ही दिनों में उसकी मौत होने वाली थी, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट करते करते थक चुके थे क्योंकि किसी भी दवा का उस पर कोई मेजर फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन मिस्टर राइट को इस बात पे पूरा यकीन था कि उसे कार्बियोजेन नाम की एक एंटी कैंसर दवा दी जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।
जिसके बाद मिस्टर राइट की रिक्वेस्ट पर उन्हें कार्बियोजन नाम की फर्स्ट डोज का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके ठीक 3 दिन बाद ही उनकी हालत में सुधार होने लगता है। और फिर कार्बियोजन के कुछ डोज के बाद मात्र 10 दिनों के अंदर ही मिस्टर राइट काफी हद तक ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। जबकि उसी सेम हॉस्पिटल में कैंसर के दूसरे मरीजों को कार्बियोजन दवाई का कुछ भी असर नहीं होता है। डॉक्टर इस बात को समझ जाते हैं और वे छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार जब मिस्टर राइट हॉस्पिटल आते हैं, डॉक्टर्स उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें कार्बियोजन की एक भी बूंद नहीं थी और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर राइट और भी तेजी से रिकवरी करने लगे, क्योंकि असल में उनपे दवाई का असर नहीं था बल्कि उनके ब्रेन में बैठे हुए बिलीव का असर था। उन्हें वो दवा नहीं बल्कि उनका सबकॉन्शियस माइंड ठीक कर रहा था। दोस्तों, ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे भरोसा कर सको। एंड अगर अभी भी आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे भरोसा नहीं है तो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट जाकर सुन लो। उन सभी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने आज तक लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया है उसमें हार्डवर्क के साथ साथ उनकी सोच और उनके बिलीव का भी काफी बड़ा हाथ था, जिसे आप में से कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते होंगे। यानी आप अक्सर जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं आप ऑटोमेटिकली उसे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में इन सभी पावर्स का यूज करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट्स को क्रिएट करता है, जिससे कि हम रोज लगभग सेम एक्शंस लेते हैं और इसी वजह से हमें हर रोज वही सेम रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन आप में एक खास बात है जो कि आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, जो कि आपको उस भीड़ से अलग बनाती है। आप खुद को बदलने की चाहत रखते हो, आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखना चाहते हो, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो अब मैं आपको 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें आपको केवल 21 दिनों तक फॉलो करना है। उसके बाद आप खुद अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले एक पेपर में आप उस चीज के बारे में लिखिए जो आपको चाहिए, यानी जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अब ये चीज कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एक शानदार जॉब, एक लग्जूरियस लाइफ, एक बिजनेस जिससे आप हर महीने लाखों रुपए कमाए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, यानी उसकी इमेज आपके ब्रेन में होनी चाहिए। आपको जितना हो सके उतना उसके बारे में डिटेल में लिखना है। स्टेप 2, अब आपको हर रोज इस चीज को इमेजिन करना है कि आपको वो चीज, वो जॉब, वो बिजनेस ऑलरेडी मिल चुकी है जिसे आप हासिल करना चाहते थे, जो आपने उस पेपर में लिखी है, यानी कि आपको अपनी ड्रीम लाइफ को जीना है। दोस्तों याद रहे, आपको यहाँ पे ये इमेजिन नहीं करना है कि मैं फ्यूचर में ये सारी चीजें हासिल कर लूंगा, बल्कि आपको यहाँ ये सोचना है कि आपको ऑलरेडी वो सारी चीजें मिल चुकी है, वे चीजें ऑलरेडी आपके साथ है। ये एक टाइप की मूवी होगी जो कि हर रोज 21 दिनों तक आपके ब्रेन में चलती रहनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी इमेजिनेशन रियलिटी लगने लगेगी और फिर हम ऑटोमेटिकली वैसे ही एक्ट करने लगेंगे, वैसे ही काम करने लगेंगे जिससे हमें सक्सेस मिल सके। स्टेप 3, ऐसी सभी टीवी शोज, मूवीज और वीडियोस को बिल्कुल भी मत देखो जो आपके नए बिलीफ सिस्टम के अपोजिट हो, या फिर ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जो कि आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर करे, आपके सामने नकारात्मक बातें करे। स्टेप 4, अपने लिए छोटे छोटे अफर्मेशन क्रिएट कीजिए और शीशे में खुद को देखते हुए अगले 21 दिनों तक उन अफर्मेशन को दिन में 2 बार पढ़िए, जैसे कि मैं एकदम फिट हूँ, मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो कि मुझे चाहिए। आपके सभी अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, यानी आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, बल्कि आपको ये बोलना है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। दोस्तों, हो सकता है कि शुरुआत में ये सब चीजें आपको अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, आपका ब्रेन रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। स्टेप 5, अपने अफर्मेशन को रिकॉर्ड करके सुने। दोस्तों, कई सक्सेसफुल लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। वे अपने अफर्मेशन को अपनी खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उन्हें सुनते हैं। आप भी बिल्कुल शांत मन से अपने अफर्मेशन को रिकॉर्ड कर ले और फिर रात में सोने से पहले उसे सुने। ये सब कुछ आपको 21 दिनों तक लगातार करना है। स्टेप 6, अपने इमेजिनेशन को पावरफुल बनाएं और बिलीव करें कि ये सब कुछ सच में बदलने लगा है।
दोस्तों हमेशा याद रखें कि आपकी रियलिटी आपकी इमेजिनेशन को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सोचा है तो आप अभी से अनहेल्दी फूड से दूरी बना लो। आप ठीक वैसा ही एक्ट करें जैसा कि आपने अपने लिए सोचा है। स्टेप 7, टेक एक्शन। अब इन 21 दिनों में ऑटोमेटिकली आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, आपकी खुद से काम करने की इच्छा करने लगेगी, आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे। अब आपको यहाँ अपनी एक्शन लेने की इच्छा को मारना नहीं है, बल्कि आपको पूरे फ्लो के साथ एक्शन लेना है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जो कि हमें सक्सेसफुल नहीं बनने देती, कि हमारे अंदर से काम करने की एक्शन लेने की ऊर्जा पैदा नहीं होती है। और इसी प्रॉब्लम को ये 6 स्टेप 21 दिनों में पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। लेकिन अब आपको 7 स्टेप को जरूर से फॉलो करना है। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, बस आपको एक्शन लेते जाना है। और अब आपको एक्शन लेने में बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा, क्योंकि ये 21 दिन का चैलेंज आपके ब्रेन की पूरी तरह से रीप्रोग्रामिंग कर चुका होगा। तो क्या आप अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए तैयार है? क्या आप इस 21 दिन के चैलेंज को पूरा करोगे? यदि आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। और यदि आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।